हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में आपको कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए। एक तो ये सुख समृद्धि लाने वाले प्लांट है और आपके घर से जो है नेगेटिव एनर्जी को भगाने वाले प्लांट है। और आपके घर में इन प्लांट को आप जैसे लगाएंगे तो धन की वर्षा होगी। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर ये है बहुत ही ज़्यादा सावन के महीने में पूजा जाने वाला प्लांट, शमी का पौधा। शमी का पौधा जो है आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधा जो है आपको मार्केट से लगभग 40-50 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में ये पौधा शुभ क्यों है? ये पौधा इसलिए शुभ है सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में जो है हम लोग अक्सर रुद्र अभिषेक कराते हैं और शिव जी जी को जब जल चढ़ाते हैं तो ये पौधा जो है इसकी थोड़ी सी पत्तियां तोड़ के आप जल के साथ उनको अर्पण कर देंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस पौधे के नीचे आप दिया भी जला सकते हैं। नंबर एक पे पौधा था हमारा शमी का पौधा। और ये है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा जो होता है बहुत ही शुभ प्लांट होता है। ये भी, ये जो प्लांट है ये आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ भी प्लांट है। इस प्लांट की पत्ती को सेवन करने से जो है आपके काफ़ी सारे बीमारियों का निवारण हो जाता है। और बच्चों को अगर आप इसका काढ़ा बना के दे दो, खांसी और बच्चों के जो जुकाम वगैरह लगाता है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इस प्लांट को भी जो है चरणामृत में जो पूजा की जाती है सत्यनारायण भगवान की, उसमें यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सेकंड नंबर पर प्लांट। इसको आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं 20 से अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो ये 10 से 20 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। तुलसी दो तरह की होती हैं, एक रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। आप दोनों तुलसी अपने घर में लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये है नीम का पौधा। जो नीम का पौधा है ये भी एक पूजनीय पौधा होता है। इसके जो छाया है उसमें बैठने से भी बड़ा सुख मिलता है। और जो इसकी पत्तियां हैं, सुबह आप खाली पेट इसकी पत्तियों को थोड़ा सा मुंह में रख के चबा लीजिए तो पूरा दिन जो है फ्रेश होता है। और नीम को भी जल दिया जाता है। और नीम का पौधा जो है इसको आप बहुत ही आसानी से जो है पार्क वगैरह में लगा होता है लाकर लगा सकते हैं। ये लग जाता है, नहीं तो आप इसको खरीद कर भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये जो पौधा है पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है और इस पौधे से जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये प्लांट है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का जो प्लांट है ये भी जो है बहुत ही शुभ प्लांट है। ये भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बिखेरता है। और सेकंड नंबर जो ये प्लांट है लक्ष्मी जी को जो है बहुत पसंद प्लांट है। और इसकी जो पत्तियों में जो इसके अंदर पल्प होता है बहुत ही गुणकारी पल्प होता है, उसको आप अपने स्किन में यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा जो है एवरग्रीन पौधा है। ये पौधा भी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, 20 से 25 रुपए के अंदर ये पौधा मिल जाता है। एक इसका पप्स जब निकल आता है तो उससे आप हजारों लाखों प्लांट बना सकते हैं। तो ये था मेरा इस वीडियो में सावन के महीने में लगाने वाला चौथे नंबर का पौधा। पांचवें नंबर पर
फ्रेंड्स, सावन के महीने वाला जो बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, गुड़हल का प्लांट, इस प्लांट को भी आप कटिंग से और इसको आप खरीद कर भी लगा सकते हैं। जो लाल गुड़हल का पौधा होता है, इसके आप फूल तोड़कर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इसके जो पौधे के पत्तियां हैं, जिनको आप ये देख रहे हैं, अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं तो इसकी पत्तियों को आप पीस कर मेहंदी में मिला लीजिए। तो ये जो पत्तियां हैं, इसकी कंडीशनर का काम करते हैं। तो ये पौधा भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर। ये है मेरा 6 नंबर पर पौधा, जेड प्लांट। जेड प्लांट को आप जो है सावन के महीने में लाकर अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये जो प्लांट है, ये जो है धन की वर्षा करने वाला प्लांट है। और इसकी पत्तियां तो सुंदर होती हुई हैं, और ये कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट की एक विशेषता और है कि ये जो प्लांट आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करेंगे, उसके बाद तो आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये जो पौधा है 7वें नंबर पर, ये है अपराजिता का पौधा। अपराजिता के पौधा जो होता है, ये जो है इसको नीलकंठ, विष्णुकांता, अपराजिता और भी इसको कई नामों से बुलाया जाता है, गोकर्ण के नाम से भी बुलाया जाता है। ये जो इसके ऊपर फूल निकलते हैं, वो फूल जो हैं शिवजी जी को, विष्णु जी को, सब भगवानों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, ये जो पौधा है, ये अपराजिता, कभी भी जो है आप इस पौधे को लगाएंगे तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सावन के महीने में आप पीला कनेर का पौधा जो है अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये जो पौधा है, सीड से भी ग्रो हो जाता है, और ये पौधा जो है कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके जो फूल हैं, ये शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन चढ़ाया जाता है। और सावन के महीने में इस फूल का जो है काफ़ी ख़ास महत्व होता है। तो ये जो फूल है, ये बहुत ही, एक तो बहुत खूबसूरत फूल है, और दूसरा फूल ये है कि ये भी जो पौधा है हमेशा हरा भरा रहता है और सुख समृद्धि लाने वाला पौधा है। 10वें नंबर पर है ये जो पौधा, स्नेक प्लांट का पौधा है। स्नेक प्लांट का जो पौधा है, ये आप अपने गार्डन में जरूर लगाएं। एक तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लाता है, और दूसरा नंबर है कि ये प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और तीसरा नंबर ये है कि इस प्लांट को आप अपने डोर, इंडोर, ड्राइंग रूम, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में लगने वाले ये पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। बरसे गधन और सुख समृद्धि, खुशहाली, और जो है आपके घर में बहुत सारा धन बरसेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।